जय माँ कन्नी भक्तों, आज सफ़ेद चूहे के आपको सही से दर्शन कराएंगे। वीडियो में बने रहे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो दरबार। बड़ी तेज बारिश आ रही है बीकानेर में, कपड़े वपड़े सारे खराब हो गए हैं। अभी कराते हैं आपको माता जी के दर्शन बहुत जल्दी। बीकानेर में बहुत तेज बारिश होने के कारण बाइक पे तो जा नहीं सके, जाने वाले भी चार लोग हैं, तो इसलिए ऑटो रिक्शा से जा रहे हैं। पूरी सड़कों पे बीकानेर में पानी पानी हो रखा है। आप कहीं से भी आओ, कोई से भी गांव से आओ, अगर आपको माता जी के दर्शन करने के लिए जाना है बस या ट्रेन से, तो रेलवे स्टेशन जा सकते हो। बीकानेर जंक्शन से भी ट्रेन जाती है, और बस से जाना चाहो तो गंगानगर चौराया, म्यूजियम सर्किल, यहाँ से मतलब बस जाती है रोडवेज प्राइवेट माता जी के देशनोग। ज़्यादा नहीं, 50-60 रुपये टिकट है बस में। चलते चलते रात हो गई और हम पहुँचे पलाना, जो बीकानेर से 23 किलोमीटर है, और देशनोग बीकानेर से 31 किलोमीटर है। ये जो पलाना देशनोग गांव है, ये पड़ता है अपने जोधपुर हाईवे पर। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम आपका। करणी माता की पूजा क्यों की जाती है? करणी माता के अवतरण के बारे में लोगों की मान्यता है कि लगभग 650 साल पहले माता ने एक चारण परिवार में बालिका ऋधुबाई के रूप में जन्म लिया था। माता के मंदिर में पूजा अर्चना भी चारण लोगों द्वारा ही की जाती है। मान्यता है कि किसी भी चारण की मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म काबा यानी चूहे के रूप में होता है। बाहर से मंदिर का व्यू है। तो हम पहुँच चुके हैं माता जी के दरबार, जल्दी से आपको दर्शन कराते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। करणी माता कौन सा भगवान है? करणी माता उत्तर पश्चिमी भारत के राजपूतों और चारणों की संरक्षक देवी हैं। सगति के रूप में उन्हें हिंगलाज या दुर्गा के अवतार के रूप में भी पूजा जाता है। वो बीकानेर और जोधपुर के शाही परिवारों की आधिकारिक देवी हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है बाहर से मंदिर। करणी माता किसकी बेटी है? श्री करणी माता जीवन परिचय, करणी माता हिस्ट्री, श्री करणी माता का अवतरण भी सम 1444 अश्विनी शुक्ल सप्तमी शुक्रवार को जोधपुर जिले की फलौदी तहसील के एक छोटे से गांव सुहाव में हुआ था। उनके पिता का नाम मिहाजी था और उनकी माता का नाम देवल देवी था। मिहाजी कीनिया चारण वंश के थे। ये बाहर से आप मंदिर देख सकते हो, जितना बाहर से बड़ा है उतना ही अंदर से भी ये बहुत बड़ा है मंदिर। चमत्कारी करणी माता का मंदिर है, यहाँ पर जो विश मांगते हो वो पूरी होती है। हर बार आंधी में तूफान, हर कोई दुविधा से बीकानेर को करणी माता ही बचाती है। करणी माता का हाथ है बीकानेर पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं आपका, और ले चलते हैं आपको मंदिर के अंदर माता जी के दर्शन कराने के लिए। भारत में चूहे का मंदिर है? करणी माता राजस्थान का चूहा मंदिर। राजस्थान के करणी माता मंदिर में चूहों को भगाया नहीं जाता, उनकी पूजा की जाती है। हजारों कृंतक मंदिर के बिसात के फर्श पर इधर उधर भागते हैं, एक दूसरे की पूंछ में उलझते हैं और दूध के विशाल तश्तरियों तक पहुंचने के लिए लड़ते हैं। ये चूहों का घर है, यहाँ पर चूहे रहते हैं बहुत सारे। यहाँ पर एक व्हाइट कलर का माता जी का चूहा भी है, जो जिसके दर्शन बहुत मुश्किल से होते हैं। हम आपको वीडियो में उसके भी दर्शन कराएंगे, व्हाइट चूहे के भी। बोलते हैं जो सच्चे मन से जाता है उसको ही उस चूहे के दर्शन होते हैं, व्हाइट कलर वाले के। ये लो भक्तों, व्हाइट कलर के चूहे का दर्शन कर लो आप सब। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? राजस्थान में बीकानेर जिले के देशनोक में एक ऐसा मंदिर है जिसमें 20,000 से ज्यादा चूहे हैं। देशनोक स्थित करणी माता के मंदिर में सफेद चूहों काबा का दर्शन शुभ माना जाता है। करणी माता के मंदिर में कितने चूहे हैं? के मंदिर में वीडियो नहीं बनाने देते हैं, इसलिए वीडियो नहीं बना सकते।
सॉरी भाइयों, अंदर वीडियो नहीं बनाने दिया मंदिर में, नहीं तो आपको लाइव दर्शन कराते। अब क्या कर सकते हैं, कोई ना, वापस जाने बीकानेर। तो आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं।